चीनी के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के साथ डोईवाला शुगर कंपनी के पेराई सत्र का आज समापन हो गया। डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड के अधिशासी निदेशक मनमोहन सिंह रावत और चीफ इंजीनियर राकेश कुमार शर्मा ने आज विधिवत पूजा अर्चना कर इसका समापन किया। डोईवाला की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गन्ना किसान के तौर पर अपनी आजीविका के लिए डोईवाला शुगर कंपनी के ऊपर निर्भर रहता है। शुगर कंपनी के अधिशासी निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि उनके द्वारा क्षेत्र के गन्ना किसानों को अच्छी प्रजाति के गन्ने की बुवाई के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अधिशासी निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि इस पेराई सत्र में 27,42,000 टन गन्ने की पेराई की गई है, जिससे 2,72,450 टन चीनी का उत्पादन हुआ है। इस शुगर मिल की स्थापना 1930 में की गई थी। 1930 से लेके अब तक की चीनी रिकवरी का ये रिकॉर्ड उत्पादन है। इस पेराई सत्र में 9.9 चीनी की रिकवरी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। पेराई सत्र 18 और 19 में जो हमने गन्ना क्रश किया है वो 27,42,000 लगभग किया है, और इसमें हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो 2,72,450 अभी तक हुआ है, और रिकवरी हमारी 9.9 रही है। और ये अभी तक जब से ये मिल स्थापित हुई है तब से लेकर के आज तक का ये सर्वाधिक प्रोडक्शन है, और ये एक तरह से ये रिकॉर्ड बना है। इस रिकॉर्ड मुख्य कारण एक तो इसका जो है वो जो मेन कारण है वो तो डेवलपमेंट है, केन डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की नई नई वेराइटियाँ हम लोगों ने बोई हैं और उसमें रिकवरी प्रतिशत अच्छा था। दूसरा मिलिंग भी ठीक हुई है।